तो दोस्तों 2023 का जुलाई मंथ जो था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। काफी सारे स्मार्टफोन्स आया, काफी सारा डिवाइसेस आया, काफी इंटरेस्टिंग डिवाइसेस आया, जिसके बारे में भाई मैंने वीडियोस भी बनाया काफी सारों के बारे में। कुछ तो इतना आया कि भाई कुछ के बारे में मैंने वीडियो ही नहीं बना पाया। तो अभी बात करते हैं 2023 के अगस्त महीने के अपकमिंग सारे जो स्मार्टफोन्स है उन सारे स्मार्टफोन्स के बारे में। एक्चुअली में जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन सारे स्मार्टफोन एक ऑप्शन की तरह बन सकता है या फिर एक मतलब आपको लेना चाहिए इस तरह का डिवाइस बन सकता है, तो आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए मतलब अगस्त में जो जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उन सारे स्मार्टफोन्स के लिए। तो यहाँ पे भाई सारे सेगमेंट को कवर किया जाएगा, हायर सेगमेंट मतलब फ्लैगशिप से लेके एकदम 20,000 तक सारे स्मार्टफोन्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा। एंड कुछ एक आध डिवाइसेस तो ऐसा है एक आध ब्रांड के तरफ से जो है ऑलरेडी आ चुका है और प्री बुक के लिए आया है भाई, अभी तक एकदम प्रॉपर आया नहीं है इंडिया में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी, मैं हूं आप लोगों का दोस्त प्रणव। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं फ्लैगशिप रेंज से। कैटेगरी नंबर 1 स्मार्टफोन्स अबव 50 के, तो गाइस यहाँ पे नंबर 1 पे आता है सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 5। यहाँ पे फ्लिप स्मार्टफोन का फिफ्थ जनरेशन है सैमसंग की तरफ से। यहाँ पे आपको 6.7 इंच का एक डायनेमिक एमोलेड 2x का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बाहर के कवर डिस्प्ले जो है वहाँ पे आपको 3.4 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 3700 mAh का बैटरी प्लस यहाँ पे 25W का चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। वेलकम स्नैपड्रैगन का 8 जनरेशन 2 वाला एक्सेलरेटेड वर्जन यहाँ पे रहेगा। 12 MP प्लस 12 MP का डुअल कैमरा का सेटअप रहेगा। एंड नंबर 2 पे यहाँ पे आता है सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5। यहाँ पे 7.6 इंच का इनर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। वंस अगेन ये वाला भी डायनेमिक एमोलेड 2x है एंड आउटर डिस्प्ले जो है कवर डिस्प्ले जो है यहाँ पे 6.2 इंच का पैनल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4400 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है विद 25W के चार्जर के साथ, जो कि आपको बॉक्स में देखने को नहीं मिलता। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 का वंस अगेन एक्सेलरेटेड वर्जन देखने को मिल जाएगा। 50 MP का कैमरा रहेगा। तो मित्रों यहाँ पे लगे हुआ तो टैबलेट्स का भी बात कर लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S9 सीरीज में यहाँ पे S9 प्लस, S9 अल्ट्रा, नॉर्मल S9 जो है ये तीन डिवाइस जो है ऑलरेडी आ चुका है। तो सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 5, फोल्ड 5, सैमसंग गैलेक्सी टैब S सीरीज का इन सारे डिवाइसेस के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जाइए, क्लिक कीजिए, विस्तार में वीडियो देखिए क्या है क्या नहीं है। प्री ऑर्डर पे ये भी आ चुका है, उसके प्राइस वाइज सब कुछ के बारे में मैंने उस वीडियो में बात किया है, एकदम आनंद उठाइए उस वीडियो का। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं वन प्लस ओपन, जहाँ पे आपको 7.8 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 6.3 इंच का कवर पैनल देखने को मिल जाएगा, 4800 mAh का बैटरी भी देखने को मिल जाएगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 भी देखने को मिलेगा। 64 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। ये वाला डिवाइस जो है 29 अगस्त को आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसका अनाउंसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं Realme GT Neo 6 में आपको 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 1.5K का भाई हायर रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। 144Hz का हाई रिफ्रेश रेट वाला पैनल देखने को मिलता है। 4600 mAh का बैटरी भी मिलेगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है 240W का चार्जिंग सपोर्ट करता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 50 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा एंड ये वाला लॉन्च होने वाला है आपको अगस्त के एंड में। तो दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 के साथ ऑलरेडी काफी सारा स्मार्टफोन्स पहले पास्ट में लॉन्च हो चुका है, अभी भी हो रहा है, मतलब अभी लिस्ट में जितने सारे स्मार्टफोन बताया अबव 50K के ऊपर, मतलब ये सारे स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 देखने को मिल जाता है। कुछ कस्टम फॉर गैलेक्सी है मतलब एक्सेलरेटेड वर्जन, कुछ नॉर्मल वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 है, पर है तो 8 जनरेशन 2 ना, मतलब काफी ज्यादा फेमस हो रहा है ये वाला चिपसेट। वैसे ये एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि भाई यहाँ पे जो है गेम ऑप्टिमाइजेशन जो है ना और भी ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों स्मार्टफोन अंडर 30K यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सीरीज देखने को मिलता है, इनफिनिक्स GT10 सीरीज, जहाँ पे आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, इनफिनिक्स GT10 प्रो एंड नंबर 2 है इनफिनिक्स GT10 प्रो प्लस। तो यहाँ पे आपको 6.74 इंच और एक में 6.8 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। 120Hz का हायर रिफ्रेश रेट, 5000 mAh का बैटरी या फिर 7000 mAh का बैटरी शायद प्रो वेरिएंट में देखने को मिल जाए। MediaTek Dimensity 8050 देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई काफी पावरफुल प्रोसेसर है, पर इसका कोर्स कुछ पुराना है। यहाँ पे आपको 108 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसलिए भाई एक 8 MP का एंड एक 2 MP का रहेगा। ये फर्स्ट वीक मतलब 3 अगस्त को जो है इंडिया में आने वाला है, फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहने वाला है। फ्लिपकार्ट में ऑलरेडी लैंडिंग पेज आ चुका है इसका। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे काफी सारा स्मार्टफोन्स है, मतलब स्मार्टफोन्स अंडर 20K। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आते हैं रेडमी देखने को मिल जाता है। रेडमी 12 5G
जहाँ पे आपको 6.79 इंच का 90 हर्ट्ज वाला पैनल देखने को मिलता है, अप टू 8 GB ऑफ रैम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 के साथ आता है, मतलब बजट में 5G वाला फोन है ये। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाएगा। लॉन्च जो है ये फर्स्ट वीक में है आप अगस्त का। नंबर 2 पे आते हैं पोको M6 प्रो, यहाँ पे आपको 6.79 इंच 90 हर्ट्ज वाला पैनल देखने को मिल जाता है, अप टू 8 GB ऑफ रैम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाता है एंड लॉन्च यहाँ पे मिड अगस्त को देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों आप लोग ऐसे बताओ कि ऐसा कुछ कंफर्म न्यूज तो नहीं है, पर यहाँ पे Redmi 12 5G जो है क्या Poco M6 Pro इसका मतलब रिब्रांडेड वर्जन है, ऐसा कुछ मेरे को तो लग रहा है क्योंकि भाई यहाँ पे स्पेसिफिकेशन एज इट इज एकदम सेम है, क्या आपने नोटिस किया, एंड यहाँ पे शायद बैक पैनल को थोड़ा सा चेंज करके लॉन्च कर दिया जाए। वैसे कुछ कंफर्म न्यूज तो नहीं है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताओ। नेक्स्ट आते हैं टेक्नो पोवा 5 सीरीज, तो यहाँ पे दो स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, टेक्नो पोवा 5 एंड टेक्नो पोवा 5 प्रो। तो यहाँ पे 45 वॉट की चार्जिंग देखने को मिल जाता है 6000mAh बैटरी के साथ, एंड यहाँ पे आपको MediaTek Helio G99 देखने को मिल जाता है, मतलब 4G डिवाइस होने वाला है। LED लाइट स्ट्रीप देखने को मिल जाएगा बैक में, आपको मिड अगस्त में ये वाला डिवाइस आ सकता है। आखिर में आते हैं मोटो G14, यहाँ पे आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, यूनि एसोसिएट T616 देखने को मिल जाता है, 4GB का रैम 128GB USB 2.2 के साथ मिल जाता है। तो मित्र ये मोटोरोला G14 जो है ये वाला डिवाइस का मतलब प्री ऑर्डर जो है वो 1 अगस्त से ऐसा कुछ प्री ऑर्डर चालू हो जाएगा, एंड मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन है इसका प्राइस कुछ रहेगा यहाँ पे आपको अराउंड 10 से लेकर 12 हज़ार के अंदर ही रहेगा, एंड इसके बारे में विस्तार में वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, अगर अपलोड हो चुका है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा भाई। तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो यही तक, काफी सारे स्मार्टफोन आने वाले हैं भाई, सबके बारे में वीडियो बनाएंगे, विस्तार में बात करेंगे क्या आपको लेना चाहिए क्या आपको नहीं लेना चाहिए, आपका पैसा किस टेक को खरीदने से आपका पैसा बचेगा या फिर सही जगह पे इन्वेस्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो बस आज की वीडियो यही तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, कमेंट में आपका क्या विचार है वो बता दीजिए, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।